मैं कर्नल प्रताप भानु एक वेटनेरियन हूँ और यहाँ आर्मी वेटनरी हॉस्पिटल दाहोंग में पोस्टेड हूँ। आज सुबह हमारे सैनिक जब पीटी परेड पर गए हुए थे तो उनको एक नाले में ऐसा लगा कि जैसे डॉग्स ने किसी एनिमल पे अटैक किया है। जब वो नाले में अंदर जाके देखा तो 6 डॉग्स ने एक बार्किंग डियर को, जो कि लगभग 5 साल का पूरी तरह विकसित मेल था, फिर इन लोगों ने दूर से चिल्लाने के बाद पत्थर फेंके और डॉग्स ने उसको छोड़ दिया। लेकिन हिरण जो है वो सदमे में आने की वजह से वहाँ बेहोशी की हालत में मिला था। फिर हम उसको अपने वेटनरी हॉस्पिटल लेके आए, वहाँ फर्स्ट एड दिया, उसको कुछ इंजेक्टेबल्स दिए, फ्लूड चढ़ाया और उसके बाद में एनिमल बहुत एक्टिव हो गया। फिर मैंने यहाँ पर जो सिंगचुंग विलेज बुगुन फॉरेस्ट रिजर्व के सेलिना फिनिया हैं उनसे कांटेक्ट किया कि आप रेस्क्यू टीम से हमारा संपर्क कराइए और इसके लिए क्या करना है वो आप हमें बताइए। बार्किंग डियर को देखा और फिर उनने उसको रिलीज करने के लिए पूरी टीम की तैयारी करने के बाद फिर से हमारे पास कांटेक्ट किया कि हम आज ही उसको जंगल में रिलीज करेंगे। फेस में लगाया, पेट को मत खोलो। तो आज ये 9 मार्च को जो हम लोग कोऑर्डिनेटर है सेलिना भैया, तो उसने हम लोग को खबर दिया था कि एक आर्मी लोग ने एक डियर रेस्क्यू किया है, तो हम लोग को देखने आने के लिए बोला है। तो हम लोग यहाँ से देखने गया था लड़का, हम लोग तो देखा तो डियर को इतना इंजर्ड तो नहीं हुआ, थोड़ा मोरा चोट लगा था। डॉग लोग ने अटैक किया तो हम लोग को इन्फॉर्म मिल गया, इसलिए बच गया। इनकेस वो अलग जगह में जाता तो ऑफकोर्स वो हंटिंग करके किसी कोई लोग खा रहा होगा अभी उसको। अच्छा लगा, उसके बाद टीम मेंबर भी सपोर्ट किया, एक बार कॉल किया तो सब जितना लोग फ्री था सब रेडी हो गया आके। तो उसको एक वेटनरी डॉक्टर के साथ में हम लोग यहाँ लेके आलू बारी में ऐसे ही बांध दिया यहाँ पानी से, तो ऐसे से करो ये रेस्क्यू करने का इक्विपमेंट सब भी नहीं था, फिर भी हम लोग ने रस्सी वस्सी लेके थोड़ा बहुत बांध के करके बांध के लेके आगे पीठ पे रख दो बस बस। आलू बारी में आज रिलीज कर दिया और लगभग 4 बजे ये काम पूरा उनके सहयोग से संपन्न हुआ, जिसकी मुझे बहुत खुशी है और मैं पूरी फॉरेस्ट की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि अपनी तरफ से आर्मी वेटनेरियन के तौर पे जो भी हेल्प जब भी वो मांगेंगे फ्यूचर में हम देते रहेंगे और उनका सहयोग भी हमें मिलता रहेगा।